हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। देर आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो व्यूवर्स के पार्टनर्स, आज दोपहर की एनर्जी में वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनके लाइफ में, उनके थॉट्स में, आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट है उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है। जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। जो गाइडेंस आपको मिलता है और आपको लगता है कि गाइडेंस आपके लिए है तो उसे ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, उनके बारे में सोच लीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें, माता रानी। आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की, देखिए ये सबके लिए है, मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सबके लिए है, ठीक है। चाहे वो आपके क्रश हो, लवर हो, सोलमेट हो, ट्विन हो या आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो देखिए जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनके बारे में ही सोचिए आप, ठीक है। जब अपने मन को, अपनी एनर्जी को, इंटेंशन सही देंगे तो भी वो चीज़ अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। एनर्जी ऐसे काम करती है। तो चलिए एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, स्टैंडर्ड मास्टर थैंक यू सो मच, एंसेस्टर थैंक यू सो मच। आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की, तो भाई आप अपने पर्सन को समझ सकते हो, वो कैसे इंसान है, उनका मूड है, उनका दिल और दिमाग है, भाई उनके हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए, ठीक है। द रिवील, लेकिन दर्द हो, पेन हो, ईगो हो, अगर वो छुपाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, उनके ही सोल माइंड पे ही उसका बुरा असर होगा, जो कि आपके पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है। ऑर्डिनरीनेस, द बर्डन, द रिवल, जस्ट प्लीज गाइड करें, वी आर द वर्ल्ड, द श्योर। ये कोशिश पूरा कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरी कोशिश लगा रहे हैं, ठीक है। द आउटसाइडर, ये पूरी कोशिश लगा रहे हैं कि इनको लाइफ में फ्रीडम चाहिए, इन्हें निकलना है, जहां वो अपने हिम्मत को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पावर को, स्ट्रेस को दूर करना चाह रहे हैं। और स्ट्रेस की एनर्जी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। अगर शिजोफ्रेनिया है, इनको किसी तरह का मन में कह सकते हैं कि बिना बेवजह किसी पे डाउट करना, शक करना, तो भाई इनको खुद की एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में लाना होगा, स्ट्रेस कम करना होगा, हिम्मत जुटाना होगा, ठीक है। ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान जो होता है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, जो सिर्फ अपनी बात को मनवाता है और अपने दर्द और बहुत चीज़ों को छुपाता है, तो भाई ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी काम नहीं करती है, वो निगेटिव एनर्जी हो जाती है, जो उनको बहुत बर्डन प्रेशर देती है, एकदम बिखर कर वो इंसान रह जाता है, ठीक है। इसलिए बहुत ईगोइस्टिक भी नहीं होना चाहिए इंसान को। तो देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी में डेथ की एनर्जी इधर आई है। आज दोपहर की एनर्जी में व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, भटकने से कुछ नहीं होना जाना है, ये आना होगा तो आएगा, मैं इस वक्त नहीं ले रही हूँ, ठीक है, इसको मैं अभी और सफल करूँगी। देखिए वो फ्रीडम पाने के लिए किस तरह छटपटा रहे हैं, ठीक है, लेकिन द श्योर की एनर्जी, रास्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इनके दिल और दिमाग में चल रहा है, जिससे ट्रैवल कर रहे हैं, जिद पर है, बर्डन में है, लेकिन फिर भी दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है।
या ये किसी रिलेशनशिप में स्टक हैं, कहीं से ये निकलना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर कहीं ऐसे आपके अलावा कहीं और ये उलझ चुके हैं जो इन्होंने अगर आपको छोड़ा है, तो हो सकता है कि वहाँ से भी फ्रीडम चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं आप तक पहुँचने का, ठीक है। तो हैं द आउटसाइडर की एनर्जी है, अब 5 नंबर का कार्ड है, ये अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाह रहे हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत, ये कार्ड गिरा था, मैंने बोला सफल करती हूँ, आएगा तो ठीक है। द एम्प्रेस, किंग ऑफ वांड्स, टू ऑफ कप्स, कितना भटकोगे भैया, भटकते भटकते तो प्यार ही याद आ रहा है, ठीक है। इधर उधर भटकने से नहीं होगा, डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं वो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ईगो तो इनका पीछा ही नहीं छोड़ा है, चीज़ें छुपाना, हाइड करना, इसलिए तो एनर्जी थक चुकी है इनकी। ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान को होना सही नहीं है, सारी दुनिया उथल पुथल सी हो जाती है। थ्री ऑफ कप, जब उनके जीवन में कोई इंसान आता है और उसे निगलेक्ट किया जाता है तो इंसान का यही हाल होता है। सेवन ऑफ कप्स, मन में सिर्फ निगेटिविटी है इनके, क्योंकि आप जो हो द एम्प्रेस की एनर्जी में हो ना, तो बस इनके मन में सिर्फ सेजोफेनिया, डाउट, शक, यही आजकल चल रहा है। होने दीजिए, आप आगे बढ़िए। देखिए द लवर्स, कार्ड गिरा था लेकिन कार्ड फिर से आ गया है। एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, ठीक है। एट नंबर द आउटसाइडर, एट नंबर। तो भाई काफ़ी स्ट्रगल चल रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट नंबर जो है बाबू आप सब के लिए मैंने बता दिया, एट नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पार्ट एकदम सुधर से गए हैं, नहीं, एकदम सुधर से नहीं गए हैं। ये तो इनकी एनर्जी में ट्रिगर हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर, इस फीलिंग्स को लेकर, ठीक है। लेकिन प्रॉपर इनका जिद अभी कमा नहीं है, उस पर कोशिश करें, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग के लिए एट नंबर इम्पॉर्टेंट है। एट नंबर कह सकते हो मिनट, घंटे, सेकेंड और आने वाले 8 दिन, ठीक है, अगले 8 दिन, ये भी हो सकता है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ये हीलिंग नंबर भी है, स्पिरिचुअल नंबर भी है, इंट्यूशन नंबर भी है। तो ये नंबर जो है आने वाले मिनट, घंटे, सेकंड या अगले आने वाला 7 दिन, अगले 7 डेज, ठीक है। तो 7 नंबर एंड 8 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, इस पर्सन के अंदर इनकी हिम्मत टूट चुकी है, सही पूछो तो कैरेज बॉटम द डेक से है, इनकी हिम्मत टूटी हुई है। देखिए, अगर ये आपके अलावे किसी और से डील कर रहे थे, ठीक है, ये किसी और से डील कर रहे थे, चाहे ये फ्लटिंग कर रहे थे, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, चाहे ये फ्लटिंग कर रहे थे, ये किसी और के साथ डेट कर रहे थे, ठीक है, या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, देखिए जो भी हो, यहाँ पे आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शन रहा है, ठीक है। उनके साथ डेटिंग भी किया, फ्लर्ट भी किया, अब इनका दिल भी टूटा, ठीक है। या फिर आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, यह भी हो सकता है। लेकिन आप कहोगे ये तो इमोशन से जो फ्लो कर रहा है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डेथ की एनर्जी, रिवर्थ के लिए, करेज के लिए, ये रिवर्थ के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि द श्योर द आउटसाइडर, ठीक है। ये पर्सन दुख तो देख रहे हैं और इस वक्त इनके लाइफ में परेशानी कैसे रिलीज किया जाए, ठीक है, ये काफ़ी सोच रहे हैं, भटक रहे हैं, प्रेशर बर्डन बढ़ा हुआ है, तकलीफ भी हो रही है, लेकिन ये चीज़ एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है 2 ऑफ कप्स के लिए और द लवर्स के लिए। इसमें से बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर, आपके काउंटर पार्ट हैं, यानी कि डिवाइनली गाइडेड हो। तो अगर इस रिश्ते को इन्होंने इग्नोर किया, ठीक है, और इन्होंने आपसे हाइड किया,
तो अगर ये ईगो से अभी भी डील कर रहे हैं, अगर ऐसा आपको शो कर रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये ईगो से डील कर रहे हैं, हाइट कर रहे हैं या जिद पर हैं, अगर आपको शो कर रहे हैं कि इनके लाइफ में बहुत ही खुश हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि द आउटसाइडर द वर्डन द आउटसाइडर ऑर्डिनरीनेस एंड द आउटसाइडर नाइन ऑफ वांड्स, ये कौन कह सकता है कि ये बंदा अपने लाइफ में खुश है? पूरी तरह ये नींबू की तरह निचोड़े जा रहे हैं, आसपास के लोग भी सही नहीं हैं, ठीक है, जो इनको प्यार दे, सपोर्ट करे। तो ये कहीं ना कहीं द लवर्स टू ऑफ कप एक इमोशनल अटैचमेंट आपसे फील तो कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इन्होंने जो आपके साथ किया, चाहे हो सकता है इनके मन में ही निगेटिव एनर्जी होगी, या इन्होंने बस आपके साथ एंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया, सेलिब्रेट किया, ऑप्शन समझा, हो सकता है इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये पर्सन की सोच गलत थी, ठीक है। इस पर्सन ने जो भी आपके लिए सोचा वो बिल्कुल गलत था। आप उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले अनकंडीशनल लव देने वाले इंसान निकले। इस दौरान भले ही उनको बर्डन है, जिद है, गुस्सा है, फ्रीडम चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, लेकिन बार बार इनके लाइफ में क्या हो रहा है, इनकी एनर्जी में क्या हो रहा है, ठीक नेक्स्ट मोमेंट पर इनका मूड स्विंग्स हो रहा है। आपके रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव आप दोनों ने ही देखा है, आपने तो बहुत ज़्यादा देखा है, ठीक है, और इनके मूड स्विंग्स होते भी आपने देखा है, और आपने इनको ईगोइस्टिक, झूठ बोलते, चीज़ें छुपाते हुए भी महसूस किया है। इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ये आपने भी महसूस किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट रहे हो, ठीक है, आप उनसे कनेक्ट रहे हो, इसलिए टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपको, देखिए सही बात है कि ये पर्सन आपको भुला भी नहीं पाएंगे पूरी ज़िंदगी, नहीं ना ही पूरी ज़िंदगी आपको वो छोड़ ही पाएंगे। मैंने साइन नहीं बताया है शायद, ठीक है, मैं बता देती हूँ। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे जो साइन है, लेकिन द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है, वी आर द वर्ल्ड, तो ऑल साइन है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग साइन है मैं यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, लेकिन वी आर द वर्ल्ड, तो ऑल साइन है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात कि कुछ याद इनको आता है या नहीं आता है, लेकिन उनको द एम्प्रेस की एनर्जी जरूर आ जाता है। क्यों? ये प्यार, मतलब यहाँ से जो प्यार मिला है वो नहीं भुला पाएंगे, मतलब आपके द एम्प्रेस की एनर्जी में बताता है कि आपने इन्हें बहुत केयर किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा केयर किया है, जो आज तक इस पर्सन ने किसी और पे विश्वास नहीं किया था कि कोई भी इतना प्यार कर सकता है। तो ये जो फीलिंग्स है जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपसे हार मान रहे हैं, लेकिन ये क्लियर करना चाह रहे हैं, आपको विश्वास दिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये हार इसलिए मान रहे हैं कि आज आप ही का दिया हुआ प्यार है जो उनको बार बार आपकी तरफ एक खिंचाव पुल कर रहा है। लेकिन इनके मन में बार बार जो गलत फहमियाँ हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, सेजोफेनिया हो रहा है, भटकाव हो रहा है, तो ये चीज़ अभी भी गलत है, ठीक है, अभी भी ये चीज़ गलत है। या फिर हो सकता है, चाहे इनके फ्रेंड सर्किल हो या कुछ ऐसे लोग हो, थ्री ऑफ सोर्ड्स में हो, सेवन ऑफ कप्स में हो, थ्री ऑफ कप्स में, कुछ ऐसे लोग हो जो हो सकता है कि आप दोनों को इस रिश्ते से जेलस फील करते हो, ठीक है,
और वो गलत फहमियाँ क्रिएट करते हों। लेकिन आपको टेंशन लेने की बात इसलिए नहीं है कि आज नहीं तो कल आपने जो दिया है वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही, आज नहीं तो कल सिचुएशन आपके फेवर में आएगा ही। कोई कितना भी कुछ कर ले, चाहे कितना भी चीज़ें छुपा लें, अंतर आत्मा से, अपने अंदर से, अपने सॉफ्ट कॉर्नर से वो आपको निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। चाहे कोई कुछ भी कर ले आपके रिश्ते में, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, कोई और ऑप्शन हो, या कोई फ्रेंड सर्किल हो, जो भी हो, लेकिन आज इनको जो पीड़ा, जो दर्द मिल रहा है, क्या वो आपसे शेयर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो खुद फ्रीडम चाह रहे हैं, द आउटसाइडर एंड एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, ऑर्डिनेरीनेस एंड द आउटसाइडर एंड एट ऑफ सोर्ट्स। आपके पार्टनर तो खुद फ्रीडम चाह रहे हैं, ये कहीं से निकलना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, लेकिन इनको भी ये पता है कि भागकर फ़ायदा भी तो नहीं है। ये आपको हट भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपका प्यार तो पाना चाह रहे हैं, प्यार ही प्यार महसूस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है गलत किया है आपके साथ, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ क्रिएट कर रहे हैं। और ये बंदा, सच पूछिए, बंदा हो या बंदी हो, ये इस तरह का इंसान है, मतलब ये कोई अगर आपके खिलाफ कुछ बोल दे तो एकदम झट से इनके दिमाग में निगेटिविटी हावी हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ये बदल जाते हैं, लेकिन आपके जो परिवर्तन होते हैं ना, तो और इनको डाउट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये डेथ की एनर्जी है एंड रिवर्थ की एनर्जी है। अब देखिए, ये भटक रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश करें कि बर्डन कम हो जाए, जिद कम हो जाए, या इनको फ्रीडम मिल जाए, थकावट दूर हो जाए, इनको फ्रीडम मिल जाए, चाहे जीवन में एक नई शुरुआत हो जाए। लेकिन हो कहाँ रहा है, हो ही नहीं पा रहा है। हर जगह से तो ये हार मान रहे हैं, एनर्जी लो हो रही है, तो चाह कर भी ना ट्रैवल, घूमना फिरना भी इनको फ़ायदा नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो द लवर्स एंड टू ऑफ कप्स की वाइब्रेशन है। चाहे वो थर्ड पार्टी हो, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, या कोई ऑप्शन हो, या फ्रेंड सर्किल में आपके पार्टनर का कोई हो, लेकिन ये पर्सन जिस तरह भटक रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे आपके सहारे की ज़रूरत उन्हें हो रही है। लेकिन ये बंदा हार नहीं मानेगा, ये थक चुका, हार चुका है, जो भी आप कह सकते हो। देखो, अभी भी इधर उधर भटक रहा है, जो भी कर रहा है, या कर रही है, या ट्रैवल कर रहा है, या घूम रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं एक जेल को तोड़कर ये अपने आप को फ्री करना चाह रहा है। आपके पार्टनर मेल और फीमेल हो, बट ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि ये कुछ ऑप्शन भी है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। किसी और से इंगेज हैं, किसी फ्रेंड सर्किल में, या आपके फ्रेंड सर्किल से, या उनके फ्रेंड सर्किल से भी कोई है, या थर्ड पार्टी कोई, या फैमिली मेम्बर्स में, या टॉक्सिक रिलेशनशिप है। लेकिन क्या ये खुश हैं? नहीं, ये लाख कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने का, एक नई शुरुआत करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता मिले ना मिले, लेकिन द एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स एंड द लवर्स की एनर्जी, यही एक रास्ता है उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने का, खुश रहने का, क्योंकि यहाँ पे एक इमोशनल अटैचमेंट है। इनको, आपके पर्सन जो भी हैं, उनको इस वक्त उनका किस्मत और सिचुएशन उनके फेवर में नहीं है। सही पूछिए तो जिस तरह की वाइब्रेशन उनकी है, ये जो इमोशंस है और जो समय, ये आपके फेवर में, इसलिए कि सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। और डेथ एंड रिवर्थ, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जो इन्होंने एंड किया था, जो इन्होंने गलती की थी, इनके सोल में, इनके माइंड में ये परिवर्तन हो रहा है आपके लिए। तो इस वक्त समय और किस्मत आपको फेवर करा कि यहाँ पे आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, और ये चीज़ें सही करना चाह रहे हैं, लेकिन अपने गुस्से, अपने ईगो, अपने बर्डन को कैसे हील करें, तो इसलिए ये थोड़ा सा ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड के साथ हो या फिर खुद के अकेले में हो, ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि इनको फ्रीडम कैसे चाहिए और आपसे रिश्ता स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई तो है जो आप दोनों के बीच में है, चाहे वो दूर कर रहा है या गलत फहमियाँ क्रिएट कर रहा है, ये ऑप्शन में भी है बाबू।
लेकिन ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी काम कर रहा है, ठीक है। ये भटकाव, ये दर्द, ये पेन, ये सेपरेशन, गुस्सा, एंजाइटी और ये लो वाली एनर्जी क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ आप उनकी ज़िंदगी में इस वक्त नहीं हो, ये किसी और का असर हो रहा है, लेकिन वो असर कह रहा है कि तू फ्रीडम मांग और तू कहीं निकल जा, ठीक है। तो ये पर्सन के लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है, सच में इनका समय इनको फेवर नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये आपका कर्म है, आपका धर्म है, आपका अनकंडीशनल लव है, चाहे ये कितना भी छुपाएं, इनके मन में आपके लिए यहाँ प्यार तो दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसको कहते हैं समय आपके फेवर में है, क्योंकि आपसे बात करें या ना करें, लेकिन ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं तो आपके लिए, ठीक है। अकेलापन इतना हो चुका है जो ये महसूस करें, क्योंकि इन्होंने गलत किया है तभी ये दर्द मिल रहा है। ये दर्द में कौन सपोर्ट करेगा, ये दर्द में कौन सपोर्ट करेगा? आपने देखा होगा, अभी कुछ देर पहले कॉफ़ी प्रेडिक्शन मैंने बनाया था, ठीक है। तो कैसा लगा कॉफ़ी प्रेडिक्शन, ज़रूर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। तो जो कॉफ़ी प्रेडिक्शन मैंने बनाया था, आपने गौर किया था कि उसमें से एक हार्ट बना था और हार्ट में से ऐसे ही बीच में से क्रॉस हो रहा था, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो एकदम बिल्कुल दिख गया था, ठीक है, बिल्कुल दिख गया था कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह की है। ये कॉफ़ी प्रेडिक्शन में एकदम ये एनर्जी आई थी, ठीक है। आपने डायरेक्ट देखा भी था कि ये जो लेयर है, ऐसे जो दिल का जो हिस्सा है, अलग अलग हो रहा है। तो कॉफ़ी प्रेडिक्शन में खुल कर आया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने वो वीडियो डाला है, ठीक है। मैं फिर कोशिश करूँगी आप लोग के लिए कॉफ़ी प्रेडिक्शन डालने का, माइनस टैरो पे या फिर रे ऑफिस 69 पर मैं ज़रूर डालूँगी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी फिर डालने का, क्योंकि उसमें प्रॉपर उसमें दिख रहा था थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिएगा, कॉफ़ी प्रेडिक्शन मैंने 2 दिन पहले डाला है, ठीक है। और फिर मैं कोशिश करूँगी डालने के लिए, दोनों चैनल माइनस टैरो और रे ऑफिस 69 पर किसी पर एक पर डालूँगी, ठीक है, कोशिश करूँगी। तो इस पर्सन को इसलिए दर्द हो रहा है कि इस वक्त इनको आपका प्यार नहीं मिल रहा है और इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी कमी महसूस हो रही है। और देखिए ना, ये लो एनर्जी में है, किस तरह आपको आपकी यादों को प्यार को गले से लगाए हुए हैं। हाँ, लेकिन ईगो गुस्सा है अभी, क्योंकि प्रेशर बर्डन है, मूड स्विंग से उतार चढ़ाव है, ठीक है। इसलिए द आउटसाइडर और एट ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि इनको एकदम से फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में किसी का बर्थडे हो, ठीक है, या आपका हो, किसी का आने वाले टाइम में बर्थडे हो या किसी का बर्थडे हुआ है। लेकिन अगर किसी का बर्थडे पार्टी अभी हो चुका है तो देखिए, आपके पार्टनर उस पार्टी में बहुत बर्डन में थे। अगर किसी का बर्थडे हो गया है तो देखिए, उस वक्त आपके पार्टनर सिर्फ आपके बारे में सोच रहे थे, न्यू बिगिनिंग के लिए ऑफ़र करने के लिए, अप्रोच करने के लिए करेज जुटा रहे थे। लेकिन वो जिस पार्टी में भी थे, चाहे उनके फैमिली में हो या किसी और का हो, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, बर्डन में थे, उन्हें वो पार्टी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करें, इन्जॉय करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की एनर्जी थी। आने वाले टाइम में, अगर आने वाले समय में किसी का बर्थडे है तो देखिए, आपके पार्टनर बहुत कोशिश करेंगे आपको अप्रोच करने का, लेकिन उनको बर्डन और प्रेशर बहुत होगा, ठीक है। आने वाले टाइम में अगर आपके पर्सन ने आपकी बर्थडे पार्टी हो या उनकी बर्थडे पार्टी हो, किसी की अगर आने वाले अगले 3 दिन में किसी का है, तो देखिए आने वाले अगले 3 दिन या 6 दिन हो सकते हैं, अगर आप दोनों के बीच में किसी का बर्थडे है, अगर वो न्यू बिगिनिंग नहीं कर पाए, आप न्यू बिगिनिंग नहीं कर पाए, तो इनको बहुत ज़्यादा बर्डन होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, ठीक है। या फिर आपको हो सकता है, इसलिए पहले से बैलेंस रहिए, इतना उम्मीद आप मत कीजिए, बस आप अपने लाइफ को इंजॉय कीजिए, ठीक है, अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो, ठीक है। लेकिन अगर किसी का बर्थडे चला गया है, अभी पार्टी था तो वो बहुत बर्डन में थे, वो पार्टी इंजॉय नहीं कर रहे थे, उस वक्त सिर्फ आपके बारे में सोच रहे थे कि वो आपको अप्रोच करें, न्यू बिगिनिंग करें, बट पार्टी इंजॉय करना था इसलिए वहाँ पे वो थे, ठीक है। तो देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर हिम्मत जुटा रहे हैं, क्योंकि अब ये इनसे
रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि जो ये अपनी एनर्जी को नुकसान कर रहे हैं, लोग करें, अपने लाइफ की सिचुएशन को जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं, इनको माइंड बॉडी सोल को फ्रीडम नहीं मिली जो आपके साथ मिला करती थी, जॉय इंजॉय, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, ये वाली। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर के इस वक्त भटकाव है, लेकिन बहुत जल्द एक नई शुरुआत करने वाले हैं। डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है, वो इस वक्त पेनफुल सिचुएशन में है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप भी इनके पेन को नहीं समझ रहे हो, कहीं आप भी इनका दिल तो नहीं तोड़े, क्योंकि साइजोफेनिया का कार्ड था, ठीक है। और उन्हें लग रहा है आप चीज़ें छुपा रहे हो, इनके मन में अब गलत फहमी बैठ चुका है, तो बैठने दीजिए, आने वाले टाइम में सब कुछ सही होगा। ऑप्शन है, आप इंजॉय कर रहे हो, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी के साथ इंजॉय कर रहे हो, आपके अंदर काफ़ी हिम्मत आ गई है, इनको आप स्ट्रेस दे रहे हो, और ये साइजोफेनिया की एनर्जी है, ये इनके मन में निगेटिविटी डाल रहा है। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत इसलिए नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, ये डेथ की एनर्जी है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। और ये ट्रांसफॉर्मेशन एकाएक नहीं होता, याद कीजिएगा, ये धीरे धीरे होता है, ठीक है, स्लोली स्लोली होता है, क्योंकि ये पर्सन इतनी आसानी से तो बदलते नहीं हैं, लेकिन ये प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रेस ले रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, मन में निगेटिविटी है आपके खिलाफ, तो मतलब इनको लगता है कि खो भी नहीं सकते हैं, आपको छोड़ भी नहीं सकते हैं, ज़िंदगी ऐसे अंधेरे में पड़ चुकी है। तो ये पर्सन हिम्मत जुटाकर अपने मन के निगेटिविटी को दूर कर कर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस इनको बहुत ज़्यादा लॉस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये अब कहो ये हार अपने लाइफ से मान रहे हैं, लेकिन आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे ये मिलना चाह रहे हैं, लेकिन इनके मन की जो साइजोफेनिया है ये दूर भी करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ आपके लिए भी है, कहने का मतलब आपके लाइफ में है, जहाँ आप किसी और के साथ कनेक्टेड हो गए हो, या किसी और के साथ बात कर रहे हो, या सेलिब्रेट कर रहे हो, तो ये हिम्मत देखकर भी उन्हें स्ट्रेस आ रही है, बट द सोर्सेस की एनर्जी है, ये कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपको तो ये छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, डेथ की एनर्जी है, साइजोफेनिया है, इसे दूर करना चाहते हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, स्ट्रेस कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनको धोखा मत दीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो की भी एनर्जी है, फिर से मैं साइन बोल देती हूँ, तो पहले मैं कार्ड को क्लियर कर देती हूँ। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर का प्रोसेस एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस रिश्ते के लिए, मुलाकात और रियूनियन के लिए। टू ऑफ कप्स है और द लवर्स है, सेलिब्रेशन है, डेथ एंड रिबर्थ है, द एम्प्रेस है। आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस उनकी ज़िंदगी में है, लेकिन आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बहुत लो एनर्जी में जा रहे हैं, उनको फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम आपके तरफ आना चाहिए, आपके तरफ निकलना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने प्रेशर बर्डन को कम करना चाहते हैं और अपनी हीलिंग चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप उनको धोखा मत दीजिए, ठीक है। उनके भी मन में निगेटिविटी आ गई, क्योंकि साइजोफेनिया है, आप उनका दिल तोड़ रहे हो, आप किसी ऑप्शन में हो, आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो मन में इनकी निगेटिविटी आ चुकी है, तो इसे ये दूर भी करना चाहते हैं। लेकिन मैं साइन फिर से बता देती हूँ, वो बहुत जल्द आपसे मिलने आ रहे हैं, मुलाकात और रियूनियन चाह रहे हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जिनकी बात मुलाकात हो रही है, ठीक है, जो एनर्जी मैच हो रही है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं, नंबर्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, फिर से एक बार कर दूंगी आप लोग को नंबर, ठीक है। यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, सारे साइन है, मेष, सिंह, धनु, मीन, कर्क, वृश्चिक, मकर, वृषभ और कन्या, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, ऑल साइन यहाँ पे हैं, फिर से मैंने कह दिया, लेकिन नंबर्स मैं बता देती हूँ। 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, मिनट, घंटे, सेकेंड और आने वाले दिन एक है, और यहाँ पे 7 नंबर, अब सबकी एनर्जी अलग हो सकती है, 7 नंबर, मिनट, घंटे, सेकंड और दिन, ठीक है, 6 नंबर, मिनट, घंटे, सेकंड और दिन, ठीक है, 3 नंबर, मिनट, घंटे, सेकंड और दिन, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये नंबर सबके लिए अलग हो सकते हैं, अलग अलग मायने रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग 8 नंबर है, उसके बाद जो नंबर्स आए हैं मैंने आपको बता दिया। इस नंबर पर ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपके साथ बात मुलाकात हो सकती है, या उनका एक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द इस रिश्ते में रिवर्थ आ रहा है, करेज जुटा रहे हैं, आपसे मुलाकात और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, वो खुद आपसे रियूनियन चाह रहे हैं, कि इमोशंस बहुत है लेकिन इनकी एनर्जी बहुत लो पे जा रही है, ठीक है। तो उनको ये एहसास तो हुआ कम से कम, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, ठीक है, तो आपके बिना क्या जीना,
तो ये पेनफुल सिचुएशन, इनके मन में थोड़े डाउट भी हो चुका है आपके खिलाफ, या किसी ने गलत फहमियाँ क्रिएट की है, ठीक है, कोई हो सकता है इनके मन में किसी ने आपके खिलाफ डाउट किया हो, या आप बदल गए हो उस पर डाउट हो रहा हो, बट ये पर्सन एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूवर जी, आप सब अपना ध्यान भी रखें, माता रानी का दिन है, प्रेयर प्रार्थना करें, अपने शक्ति अपने भक्ति से प्रेयर प्रार्थना करें, रिश्ते के लिए, अपने लाइफ में, अपने करियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और थोड़ा हमारे लिए भी थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट करें, प्रेयर प्रार्थना करें। बस आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ईश्वर करें, माता रानी करें, आपके लाइफ में आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें, आपका प्यार आपका रिश्ता यूं ही बरकरार रहे, और पूरी ज़िंदगी तक आप दोनों साथ रहें। आप लोग अच्छे रहोगे तो मैं भी अच्छी रहूँगी, बस यही माता रानी से कृपा है, हमारे कृष्ण गोविंद राधा रानी से यही कृपा है, ब्रह्मांड की शक्ति दिव्य ऊर्जा दिव्य शक्ति से यही कृपा है। तो बस अपना ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। वीडियो अच्छी लगे डियर तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ये पता चलता है कि आपको गाइडेंस भी अच्छी लग रही है और आपसे एनर्जी भी मैच हो रही है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो कंजूसी ना करें, प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।